सीमांचल के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। आज हेल्प एनजीओ की जानिब से बगलबाड़ी पंचायत के तकरीबन 100 मुतासरीन को राहत सामग्री तकसीम की गई। हम लोग का यहाँ का ऐसा मुसीबत में कोई नहीं पड़ता है। जब बाढ़ पानी आता है उधर पूरब से जो है महानंदा का कटान हो रहा है, और जो है दूसरी बात थोड़ा पानी बढ़ने का बाद घर द्वार सब डूब जाता है। अब बगल में साइड में भले कि ये जो है रोड है, इसलिए हम लोग हेल के आके जो है सहारा लेते हैं, नहीं तो और कोई सहारा नहीं है हम लोग को। मुश्ताक साहब, अभी बाढ़ के बाद आप लोग सड़क पर आ गए हैं, तो जानना ये चाह रहे हैं आपसे कि क्या अभी तक आपका हालचाल जानने के लिए कोई आया है? कोई नहीं आया है, सिर्फ गांव का एक आदमी मदद किया है, थोड़ा थोड़ा मुड़ी बांटा था, वही खा के बाल बच्चा को पाले हैं, अभी तक वही खाता है। लेकिन पंचायत का ना मुखिया, ना जिला परिषद, ना कोई अभी तक देखने नहीं आया कि क्या हाल में है वो लोग। गाँव का नाम है बगलबाड़ी पंचायत 11 नंबर वार्ड। आपका नाम? भोगिंदर कहार। और हम लोग बाढ़ फिर इसमें जो है जब बाढ़ आ गया था तो कहीं निकल नहीं पा रहे थे, और यहाँ जैसे खाने पीने का भी थोड़ा तकलीफ हुआ था, और इधर जो है हम लोग का कोई देखने के लिए भी नहीं आया है। अभी तक कहीं से कोई मदद मिली आपको? यहाँ अभी कोई मदद नहीं मिला अभी तक। कोई देखने के लिए आए? नहीं, कोई नहीं देखने आया। 10 से रात बीत गए, अभी तक कोई पता नहीं है, ना हमारे पंचायत का मुखिया आ रहे हैं, ना नंबर देख रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। यहाँ हम लोग जैसे लड्डी किसार में घर द्वार सब गिर रहा है, और देखने के लिए कोई यहाँ मैंने जिला परिषद हुआ या मुखिया हुआ या ये लोग कोई नहीं देख रहा है। दोस्तों, लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं सीमांचल के मुख्तलिफ इलाकों का, सीमांचल के उन इलाकों का जो बाढ़ में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बगलबाड़ी पंचायत में, और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे साथ इस वक्त सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। तकरीबन 250 से 300 परिवार ऐसे हैं जो इस बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके हैं। अभी हमने इनसे गुफ्तगू की और हमने इनसे जानना चाहा कि क्या आपकी हाल पुरसी के लिए अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, क्या कोई आए हैं? तो तमाम लोगों में काफ़ी रोष देखा गया, काफ़ी गुस्सा दिखा गया। लोगों का ये कहना था कि हमने जिन्हें वोट किया है, हमने जिन्हें चुना है, आज तक किसी ने हमारा हाल जानने के लिए नहीं आया है। इस वक्त हम सब यहाँ आए हुए हैं, दरअसल आने की वजह यह है कि गुफरान आलम फौजी, जिनका एनजीओ है हेल्प एनजीओ, और उनकी टीम को आप देख सकते हैं, ये तमाम के तमाम लोग आए हैं और मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल ये मेहनत कर रहे हैं कि साहब किसी तरह से बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटा जाए। मैं लगातार कई क्षेत्रों में घुमा और हर जगह हालात अच्छे नहीं है, कहीं पर भी हालात बेहतर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना हमसे हो सके ताउन कर सकूँ, तो मैं उतना कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। टीम बहुत छोटी है लेकिन इरादे बहुत बुलंद हैं। यही कोशिश रहती है कि जहाँ पर भी बाढ़ पीड़ित हों उसकी मैं मदद कर सकूं, और लोगों से भी ये अपील करता हूं कि वो भी सामने आए और मदद करें अपने तरह से। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हेल्प एनजीओ ने बगलबाड़ी पंचायत के सैलाब मुतासरीन की मदद की। हालांकि यहां और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। ऐसे में हम तमाम लोगों को चाहिए कि जिले के तमाम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हम आगे आएं। याद रखिए, इंसानियत की मदद करना, इंसानों की मदद करना हम सबका फर्ज है।